मस्ती में घूम रहा है और खेल रहा है। अब हम गुड इवनिंग दोस्तों, तो शाम हो गया और हम सोचे कि चलो आज चतरा को एक्सप्लोर कर लें। तो क्या ही चतरा को एक्सप्लोर किया जाएगा, यहाँ पे एक पार्क है, चलते हैं पार्क घूमते हैं। 10 रुपये का टिकट है, कोई ख़ास टिकट नहीं है, तो चलते हैं घूमते हैं और मज़े लेते हैं। तो हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं पार्क के पास, यहाँ झरना लगाया हुआ है, पहाड़ से गिरेगा पानी, लेकिन पहाड़ से नहीं गिर रहा है पानी, काहे कि शायद पानी बरसात ही नहीं, तो पानी गिरेगा कहाँ से, पानी सब सूख गया है। चलिए पहले टिकट लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चाचा यहाँ केतारी का जूस बेच रहे हैं, अगर आपको पीना है तो आकर के पी सकते हैं। तो हमारे पास है देखिए 10 का रुपया, यही से लेंगे हम टिकट। और ये देखिए यही पार्क में हम पहुंच चुके हैं, नाम है शहीद विनय भारती पार्क चतरा। हाँ यहाँ पे गेट है, वहाँ पे टिकट कटेगा, तो चलिए टिकट लेते हैं। और हम टिकट ले लिए हैं, ये देखिए टिकट है। आ टिकटवा को देने से पहले फाड़ दिया, पता नहीं का है, लगता है फेरू से हम भंजा लेते हैं। यह टिकटवा का शहीद विनय भारती पार्क चतरा झारखंड प्रवेश टिकट, नंबर 3 वर्ष से अधिक उम्र के लिए ₹10 मात्र, दिनांक उनांक कुछ नहीं लिखा है। तो यही है शहीद विनय भारती, जो कि हमारी देश के रक्षा के लिए शहीद हो गए। सो प्लांट तो लगाया हुआ है लेकिन मुरझाया हुआ भी है, कहे कि पनिया कोई पटाने वाला नहीं है इसलिए मुरझा गया है। हुआ नलकवा लगता है बंद किया हुआ है कि चालू है, में अचड़ा कचड़ा भरल है, पानी तो नहीं है। यहाँ पर अमर जवान ज्योति बनाया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चतरा जिला में उग्रवादियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में शहीद पुलिसकर्मियों का नाम। ये बैठने के लिए चबूतरा बनाया हुआ है, यही है। हम आगे चलते हैं, ये है एंट्रेंस और यहाँ पर एक हाथी बनाया हुआ है, हाथिया में घर है, वो देखिए दरवाज़ा दिख रहा है, ये है गेट, यही गेट से हम अंदर आए हैं। उस साइड घूम लिए, अभी इस साइड चलते हैं। और यहाँ भी एक झरना है लेकिन ये झरझरा नहीं रहा है, काहे कि पनिया सूख गया है तो फड़फड़ा रहा है। उधर वाला सुखाइल था सो प्लांट, आ इधर वाला सो प्लांट हरियाइल है, आ यह जगह के बाद से फिर से सुखाइल है, बैठ के आराम करने के लिए भी है। इधर आदमी नहीं है, गेटवा पर आदमी था, उस फोटो वोटो खिंचा रहा था। आई देखिए यहाँ पर झोपड़िया मने नहीं, यहाँ पर लाफिंग बुद्धा बनाया हुआ है, खूब धन के पोटली लैले है। यहाँ पर 2 शेर बैठल है लेकिन झरनावा तो सूखल है, तो हरिणिया पानी पिए कैसे जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं खा पाएगा। झरना सूख गया, न हिरन आएगी न शेर खा पाएगी। आई देखिए ग्लोब के ऊपर चील बैठा हुआ है, ईगल, ये किसी चीज़ का चिन्ह है, ये तो हमको पता नहीं है
इसीलिए हम यहाँ से आगे चलते हैं। हाई एंट्रेंस में हम घूम रहे थे और अभी जाएंगे हम अंदर और फिर अंदर का आपको दिखलाते हैं। अब यहाँ से हम चल रहे हैं अंदर, कपल सपल भी आता है। इधर ढेर सारा गुलाब का फूल लगाया हुआ है, लेकिन जितना लगाया हुआ है उससे कम खिला हुआ है। मन तो किया कि एगो खोस ले कान में तोड़ करके, लेकिन हुआ लिखा हुआ है कि कुछ तोड़ना ताड़ना नहीं है, यहाँ तक कि छूना भी नहीं है, खाली नज़र से देख के संतोष करना है। यही देखिए पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आधा उजड़ गया है आधा बचल है। पार्क के अंदर खैनी बीड़ी सिगरेट पान गुटखा मसाला का यूज नहीं करना है। अब यहाँ भी पान ख़त्म हो गया है, देखिए दू बगुला कैसे पानी बिना चिहाड़ रहा है, प्यासे मर जाएगा वो लोग, दिख रहा है ना। ये देखिए पानी नहीं है, हमहू एगो फोटो ले ले का, चलिए घूरे घरी ले लेंगे। परकवा में वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है टाइम पास करने के लिए आदमी को है ना। इधर पता नहीं बच्चा लोग का ढुलुआ है कि बूढ़ा लोग का ढुलुआ है, कोई ढुलिए नहीं रहा है तो पता कहाँ से चलेगा, ढुलता तब ना पता चलता। हालांकि लग रहा है कि बचवा लोग का भी है। एगो चीज हमको दिख गया, दिखाते हैं नज़दीक से आपको भी, कहे कि नज़दीक से आज तक हम नहीं देखे हैं, देखे हैं लेकिन दूरे से देखे हैं। आई देखिए इसको बोलते हैं मुरब्बा, हमारे यहाँ ये खाने वाला मुरब्बा नहीं है, इसे एक तरह का रस्सी बनता है और वही है। अब पता नहीं बिचवा से खाली उतना भागल है, पतैया तो सब नीचे ही रह गया, वही ले लग रहा है सूख गया। चलिए इस साइड देख लिए, वैसा तो नहीं है, पानी उनी गिरते रहता झरना उरना में तो कुछ दिखता बढ़िया, अब उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन जवन है तवन सही है। 10 रुपया में कितना देखिएगा। ये है सर, यहाँ है कैफेटेरिया, ये कैंटीन है, आज कैंटीन भी बंद है, आउरो अंदर है लेकिन खोला नहीं गया है, उनमें ताला लगा दिया गया है, इसलिए कि पनिए ख़त्म है तो खोल के का करेगा। नहीं है तलुआ में पानी है, तालाब में पानी है, ये दिख रहा है ना तालाब में पानी है, ये देखिए तालाब में पानी दिख रहा होगा, लेकिन वो खाली घूमने के लिए चक्कर लगाने के लिए। अब पानी है तो साफ पानी थोड़े ना होगा, ये देखिए जा रहा है शुद्ध विशुद्ध को बनाने वाला शुद्ध नाली है, उसे इसमें डालेगा तो खराब ना हो जाएगा। ये कौन सा पक्षी है, तो गड़ूर तो नहीं है, ये कुछ दूसरा है शायद, इसको ही धनेश कहते हैं हमरे यहाँ, पता नहीं लोगों के भाषा में और काका कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है ये हमको पता नहीं है। इधर बचवा लोग मस्त एडवेंचर कर रहा है, यहाँ जिराफ है बड़ा सा, डुप्लीकेट वाला ओरिजिनल वाला नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ है झूला 3 साल से 10 साल के बच्चों के लिए है, पार्क को व्यवस्थित बनाए रखने में हमारा सहयोग करें, धन्यवाद, धन्यवाद नहीं धन्यवाद। अरे क्या है, यहाँ सीढ़ी है लगाया हुआ, फिर वहाँ सीढ़ी है, और बीचवा में रस्सी बांधल है, ये हमको लगता है हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ था, लेकिन सब बचवा सब के साथे साथे बुढ़वो सब बैठ के और तोड़ दिया इसको, इसलिए ये अब नीचे है। तो बचवा सब मस्त एकदम खेल रहा है, सबे कुछ है, अगर देखा जाए तो बच्चे लोग के लिए है।
भाई देखिए भी बच्चे लोग के लिए है, एक्सरसाइज के लिए बहुत बढ़िया है। कैसे कि बच्चा लोग चढ़ेगा मतलब टंगाएगा, यह में हाथ रखेगा ऐसे और फिर ज़मीन से रिश्ता तोड़ करके फेरे में रखेगा वहाँ तक चल जाएगा, तब बोडिया बनिए जाएगा। हमारे जैसे बुढ़वा लोग के लिए यहाँ कुछ नहीं है, बस 10 रुपया में देखिए का संतोष कर लीजिए। आई है 4-6 गो बच्चा लोग यहाँ पर मनोरंजन अपना कर रहा है, 2-4 गो पेरेंट्स भी है जो अपना बच्चा लोग को लेकर के आया है, ठीक है घूमने के लिए। लेकिन इसको नगर पालिका वाला 10 रुपया लेता है टिकट का। अरे एक आध को फोटो वोटो हम ले लेते हैं, आए हैं तो रहना नहीं चाहिए। लोग फिर से आ गया है, वो लोग भी मस्ती कर रहा है और सबसे मस्ती इसमें मिलता होगा 10 रुपया निकालने में। इस लगता है इसका टिकट अलग से है, इसका टिकट अलग से लगता है। कितना का टिकट इसका आता है? 10 रुपया वहाँ, 10 रुपया यहाँ। और अंदर वाला बंद का है वो अभी कुछ चालू भी नहीं, अभी जितना अच्छा होना चाहिए। अच्छा तालाब को सुंदर कर रहे हैं, उतना अच्छा नहीं होता है। इधर भी उतना थोड़ा सा देखिए पानी उनी इधर भी बंद है। पार्क का मतलब क्या था, अभी हम मेंटेनेंस में रहता है वो घास रहता है, पार्क में वो चीज अभी है ही नहीं, झूला झूली लगा दिया है, लोग बच्चा लोग का आता है। इसी को मेन हम लोग को गाइडलाइंस करना है कि थोड़ा सा टूटे फूटे इसको तोड़ दिया है, उसको भी तोड़ दिया है। वो हैंगिंग ब्रिज बच्चे के लिए होगा लेकिन लगता है बुढ़वा सब भी चढ़ गया होगा उसमें ना। हाँ। अब जैसे हम आ गए तो फर्स्ट टाइम तो हम पूछे होंगे तो आपको भी लगा होगा कि यहाँ का है पूछ रहा है, लेकिन ये तो बच्चा के लिए है। अब हमारा जैसा आदमी इसमें चढ़ेगा तो धस न जाएगा, डायरेक्ट एकदम खत्म हो जाएगा। तो हर जगह लगाया हुआ है कि 10 साल के दिसंबर तक फ्री था ये। अच्छा दिसंबर तक फ्री था, लेकिन जब जो आप बोले ना सिचुएशन हुआ उसके बाद हमको टिकट करना पड़ा, तब टिकट करना पड़ा तो फिर बुढ़वा लोग चढ़ना बंद किया। पानी उनी रहता तो थोड़ा अच्छा और दिखता है। नहीं नहीं ये वाला पानी मस्ती में घूम रहा है और खेल रहा है। अब हमारा अब निकलने का टाइम हो गया तो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है जो भी है। फूल तोड़ने सख्त मना है, पकड़े जाने पर 200 रुपया लिया जाएगा। निवेदक नगर परिषद चतरा, नगर पालिका नहीं है नगर परिषद है। आई हाथी के पेट में छेद है, उसमें कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। तो हम निकल रहे हैं अब यहाँ से, पार्क हम आ गए हैं बाहर और चलते हैं अपने रूम की तरफ। 2006 में इसको बनाया गया है, बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ करना बाकी है, होता रहेगा धीरे धीरे। मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ इधर खाने पीने के लिए भी है, इडली डोसा सांभर चिल्ली चाउमीन जो चाहे आप खा सकते हैं। ये पार्क चतरा कोट या कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के पास है, इधर मछली वछली सब मिल जाएगा आराम से, बनवा के खा सकते हैं। अंडा का ठेला ठेली तो बहुत है लेकिन झमेला भी बहुत है। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।